हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लॉजिकल ड्राइव को हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन में कैसे चेंज करें। दोस्तों, हम जब अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करते टाइम जो पार्टीशन क्रिएट करते हैं वो हमें हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन के नाम से शो करता है, लेकिन जब वहीं अपने कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करने के बाद पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वह हमें लॉजिकल ड्राइव के नाम से शो करता है। तो हम आज के अपने वीडियो में यही इशू को फिक्स करेंगे फ्रेंड्स, और एक लॉजिकल ड्राइव को प्राइमरी पार्टीशन में कैसे चेंज करते हैं ये जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको इस चैनल पर मोबाइल और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोज मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पार्टीशन को लॉजिकल से प्राइमरी में चेंज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ये रहा वो सॉफ्टवेयर, इसका नाम है आई एम मैजिक पार्टीशन रिसाइजर। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं फ्रेंड्स, बट वो पेड हैं, उनमें आपको कुछ पेमेंट्स करने पड़ सकते हैं, बट ये फ्री टू यूज़ है। मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का जो भी आर्किटेक्चर है 32 बिट या 64 बिट, उसके अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना माई कंप्यूटर ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसमें जो मेरा ड्राइव है वो भी लॉजिकल ड्राइव के नाम से शो कर रहा है, उसी को हम फिक्स करेंगे। अपने माई कंप्यूटर पे हम राइट क्लिक करेंगे और वहाँ से मैनेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई हेल्दी लॉजिकल ड्राइव के नाम से शो कर रहा है। बाकी सारी पार्टीशन हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन के नाम से शो कर रही है, इसी को हम फिक्स करेंगे। आइए जानते हैं कैसे। इसको क्लोज कर देते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन हो रही है फ्रेंड्स। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद फ्रेंड्स, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स है वो सभी शो करेंगी। आपको यहाँ से बहुत ध्यान से अपना वही ड्राइव सेलेक्ट करना है जिसका आपको पार्टीशन टाइप चेंज करना है। तो मेरे केस में यहाँ पे न्यू वॉल्यूम ई जो है ये लॉजिकल पार्टीशन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लें और इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एक ऐसी मेनू आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे सबसे नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कन्वर्ट टू प्राइमरी पार्टीशन का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये यहाँ से आपसे कन्फर्मेशन मांग रहा है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई पे चेंज कर देंगे फ्रेंड्स। अप्लाई पे चेंज करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा बॉक्स खुल के आएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपको बोल रहा है ये कि इस ऑपरेशन को कम्प्लीट करने के लिए आपके सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करेगा ये। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका सिस्टम रिस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे और सिस्टम को रिस्टार्ट होने देंगे। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको माई कंप्यूटर में चल के दिखा देता हूँ कि मेरी जो ड्राइव थी वो हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन में चेंज हुई है या नहीं। तो उसके लिए फिर से हम अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा जो न्यू वॉल्यूम ई जो है वो पहले लॉजिकल ड्राइव लिखकर आ रहा था, लेकिन अब हेल्दी प्राइमरी पार्टीशन लिखा आ रहा है। आपका जो काम था वो यहाँ पे पूरा हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में।